एनीमे की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जो लेट नाइट एक फायरफ्लाई को ध्यान से देख रही होती है। वो मर जाता है, उसके बाद वो लड़की उसका फ्यूनरल करते हुए दिखाई देती है और थोड़ी देर में वो फायरफ्लाई जिंदा हो जाता है। एक मिस्टीरियस आवाज़ उसको गाइड करता है और वो उसको फॉलो करते हुए एक डेजर्टेड एक्रेट पहुँच जाती है और गैचपोन मशीन से उसको एक एग मिलता है। यह उसको पहली बार फ्री में मिल रहा है और नेक्स्ट टाइम इसको इस एग के लिए उसको पे करना होगा। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और वो घर जाकर सो जाती है। वो अपने सपने में अपने स्कूल में होती है। उसके पीछे कई सारे ये छोटे छोटे कार्टून से पड़ जाते हैं। वो टॉयलेट में जाकर छुप जाती है। वहाँ पर टॉयलेट पेपर उससे बोलता है एग को फोड़ने के लिए। वो लड़की उस एग को फोड़ती है और उस एग में से एक लड़की निकलती है। वो छोटे छोटे कार्टून वहाँ टॉयलेट में भी आ जाते हैं। वो कार्टून्स लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन पर हमला भी करते हैं। वो दोनों वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं और वो दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं। वो कार्टून लोग इस जगह पर भी आ जाते हैं जहाँ पर वो भागकर यहाँ पर बैठे हुए थे। वो लड़की इसको यहाँ से भागने के लिए बोलती है पर ये लड़की वहाँ से नहीं जाती। ये कार्टून्स लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं जो उस एग में से निकली थी। उसके बाद हमें इस लड़की के बारे में दिखाया जाता है। ये लड़की अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है। इसका नाम होता है आई ओहोटो। उसको हेट्रोक्रोमिया नाम की एक डिसीज की वजह से उसकी एक आँख येल्लो है और वो अपनी एक आँख अपने बालों से छुपाती है ताकि किसी को पता ना लग जाए कि उसके दोनों आँखों का कलर डिफरेंट है। स्कूल में आई का कोई फ्रेंड नहीं होता। सब लोग उसको उसकी आंखों के लिए बुली करते हैं। फिर उसके बाद उसकी लाइफ में एक कोइटो नगासी नाम की एक लड़की आई। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। उसकी फ्रेंड को भी लोग स्कूल में बुली करते थे। एक दिन आई की दोस्त ने कोइटो नगासी ने ऊपर से खुद कर अपनी जान दे दी। एक दिन कोइटो नगासी ने सुसाइड कर लिया। आई को कुछ भी नहीं पता होता उसकी फ्रेंड की सुसाइड के बारे में कि उसने सुसाइड क्यों कर लिया। उसके बाद आई अपने फ्लैशबैक में से बाहर आती है और वो जो छोटे छोटे कार्टून से होते हैं उनके बॉस को मारकर वो उस लड़की को बचा लेती है। आई के फ्रेंड की सुसाइड के बाद आई ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और जब उसको पता लगा कि वो वंडर एग को खरीद कर उन मिशन को कम्प्लीट करके वो अपनी फ्रेंड को वापस ला सकती है तो वो लगातार उस वंडर एग को खरीदने लग गई। पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद आई की फ्रेंड का जो स्टैचू होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जैसे जैसे वो मिशन को कंप्लीट करती जाएगी उसकी फ्रेंड स्टैचू से वापस जिंदा होती जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए वंडर एग के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। जो भी वंडर एग खरीदेगा वो जब भी सोएगा वो अपने सपने में चले जाएगा एक अलग ही ड्रीम वर्ल्ड में। वहाँ पर उसको वो एग फोड़ना पड़ेगा और उस एग में से जो भी निकलेगा उस बंदे को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? ये जो छोटे छोटे कार्टून्स दिख रहे ना इनसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ड्रीम वर्ल्ड में इनको बोलते हैं सीनो इविल्स। जो इन छोटे छोटे कार्टून सीनो इविल्स का जो बॉस होता है उन्हें बोलते हैं हेटर्स। अगर तुमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो मिशन कम्प्लीट हो गया और नहीं करा तो मतलब मिशन कम्प्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही कई सारे मिशन को कम्प्लीट करने के बाद वो अपने किसी खास इंसान को मरा हुआ जो इंसान है उसे जिंदा कर सकता है जैसे कि ये लड़की कर रही है। आई ओहोटो बहुत दिनों तक एग खरीदती रहती है और उन मिशन को कंप्लीट करती रहती है। वंडर एग को खरीदने के बाद ये अपने सपने में चली जाती है और वंडर एग में से जो भी निकलता है आई को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वंडर एग के बारे में। उसके बाद बार बार आई ओहोटो एग खरीदती रहती है और उन मिशन को कंप्लीट करती रहती है अपनी फ्रेंड को वापस लाने के लिए। आई अपनी फ्रेंड को वापस इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जिसका नाम था कोयोटो नगासी और उसकी फ्रेंड ने उसको बिना बताए सुसाइड कर लिया। उसको लगता है कि उसकी फ्रेंड का मरने का कारण वो तो नहीं या उसका टीचर, जो भी रीज़न है वो जानना चाहती है। और अगर आई की फ्रेंड उसको उसके साथ मरने को बोलती तो आई उसके साथ ही सुसाइड कर लेती। आई ओहोटो बहुत दिनों तक वो एग खरीदती रहती है और उन मिशन को कंप्लीट करती रहती है। इसी बीच आई के कुछ न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। उन सभी के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नेहरू, रिका, मोमोई, इन सब के भी अपने अपने रीज़न होते हैं वंडर एग को खरीदने के लिए। ये भी आई की तरह वंडर एग खरीद रहे होते हैं किसी अपने खास इंसान को जिंदा करने के लिए। नेहरू एक बहुत बड़ी कंपनी की प्रेजिडेंट होती है
नेहरू एक दिन हॉस्पिटलाइज थी और जब उसको होश आया तब लोगों ने उसे बताया कि उसकी छोटी बहन ने उसको चाकू भोंका और हमला करने के बाद एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। नेहरू के पीठ पर वो चाकू भोंकने के निशान एक ऐसा दर्द बन के रह गए जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बहन को वापस लाना चाहती है। रिक्का अपनी मॉम के साथ रहती है, उनका एक अपना खुद का बार होता है। रिक्का की मॉम के साथ कई आदमियों ने एडवांटेज उठाया था और एक के साथ वो प्रेग्नेंट हो गई थी। रिक्का को तो पता भी नहीं कि उसके फादर कौन है, उसको बस अपनी डैड की आवाज़ याद है जब वो बहुत छोटी थी। उसके डैड उससे बोलते थे कि प्रेटी गर्ल डज नॉट नीड अ वॉलेट, समवन एल्स विल ऑलवेज पे फॉर हर। और यही लाइन हमेशा रिक्का कहती थी। रिक्का अपने फादर को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, बट उसकी मॉम उसके फादर के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी क्योंकि उस घटिया इंसान ने इनको धोखा देकर छोड़ दिया। बट रिक्का अपने फादर से मिलने के लिए एक टाइम तो डिप्रेस ही रहने लग गई थी। रिक्का एक ऐसी लड़की है जो कुछ भी बोलती है जो उसके माइंड में चल रहा होता है। रिक्का जूनियर हाई स्कूल की आइडल होती है और एक ऑल आउट किस नाम के आइडल ग्रुप में भी होती है और एक उसकी फैन चीमी वो उससे हाथ मिलाने के लिए बहुत बड़ी लाइन में खड़ी होती थी, इवन अपनी सारी पॉकेट मनी भी उसको दे देती थी। और एक बार रिक्का ने उससे ये बोल दिया कि वो अपने एक फैन के संग फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, उसको ऐसी मोटी लड़की से दोस्ती करने में बहुत शर्म आएगी। और अगले दिन ही उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, इसलिए वो अपने वॉलेट चेमी को वापस लाना चाहती है। रिक्का कहती है कि एक सुंदर लड़की को कभी भी वॉलेट की ज़रूरत नहीं होती और चीमी उसको पैसे देती रहती थी, इसलिए वो चीमी को अपना वॉलेट बोलती है। मोमोई भी अपने एक फ्रेंड को वापस लाना चाहती है, इसलिए वो वंडरैक को खरीदती है, उसका नाम होता है हारुका। एक दिन हारुका मोमोई को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है, जबकि ये दोनों लड़की ही होती हैं। एक दिन हारुका अपने कपड़े उतार कर मोमोई को उसकी बॉडी को टच करने को बोलती है। मोमोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को उससे दूर कर लेती है और उसी के बाद वो सुसाइड कर लेती है। मोमोई को लगता है कि उसकी फ्रेंड हारुका ने उसकी वजह से सुसाइड किया है, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती है, इसलिए वो उसको वापस लाना चाहती है। मिस्टर सुचिरो सवाकी ये मोमोई के अंकल होते हैं और ये आई के स्कूल में टीचर भी होते हैं, और जब आई अपने स्कूल नहीं जा रही होती है तब मिस्टर सुचिरो सवाकी उसके घर पर पढ़ाने के लिए आते हैं एज अ ट्यूटर, पर आई एक भी दिन उनसे नहीं पढ़ती है। वो हमेशा उसको पढ़ाने के लिए आते हैं पर वो एक भी दिन नहीं पढ़ती है। पढ़ने की तो दूर की बात, वो अपना गेट भी नहीं खोलती है, इसलिए वो पूरा टाइम उसकी मॉम से बातें करते रहते हैं और ऐसे चलता रहता है। और एक दिन वो दोनों एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और ये आपस में कई सारा टाइम स्पेंड भी करते हैं। जैसे जैसे ये लोग वंडर एग को खरीदते हैं और उन मिशन को कंप्लीट करते जाते हैं, वैसे वैसे मिशन बहुत हार्ड होते जाते हैं। सीनो इविल्स मॉन्स्टर का बॉस जो हेटर्स के नाम से जाने जाते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग आने लगते हैं। अब इनसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनसे फाइट करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक्का और उरा एक्का ने इनको उनसे फाइट करने के लिए कुछ वंडर एनिमल देते हैं, पोमांडर यानी कि वंडर एनिमल। इन चारों को एक एक वंडर एनिमल मिलता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ड्रीम वर्ल्ड में सीनो इविल से फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। एक्का और उरा एक्का ही ड्रीम वर्ल्ड में उन लोगों को लीड करते हैं, उन लोगों को जो भी वंडर है खरीदते हैं। मोमोई अपना लास्ट मिशन को कंप्लीट कर लेती है। उस मिशन में उसको एक लड़के को प्रोटेक्ट करना होता है जो कि दिखने में लड़की लगती है। उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मोमोई की फ्रेंड हाकुरा जिंदा हो जाती है, बट वो जैसे ही उसको टच करने वाली होती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक अजीब सी मुँह वाली हेटर्स आती है जिसको फ्रिल ने भेजा होता है। फ्रिल कौन है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और वो मोमोई के वंडर एनिमल पैनिक को मार देती है और उसको खाने के लिए ले जाती है और थोड़ा सा मांस उसको भी खिलाती है, किसको, मोमोई को। और रिक्का भी अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है और उसकी फ्रेंड भी जिंदा हो जाती है, और जैसे ही वो उसको टच करने वाली होती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर भी एक अजीब सी मुंह वाली हेटर्स आती है, उसको भी फ्रिल ने भेजा होता है और वो भी रिक्का के पोमांडर वंडर एनिमल मैनन को मार देती है और अपने साथ उसको खाने के लिए ले जाती है।
11th एपिसोड में हमको एक्का, उरैक्का और फ्रिल के बारे में दिखाया जाता है कि आई उरैक्का के घर जाती है और वो उसको सब कुछ बताते हैं कि कैसे एक्का और उरैक्का ने फ्रिल नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। उन्होंने फ्रिल को 14 साल का बनाया। उन लोगों ने उनको अपनी एज अ डेटर प्रोग्राम किया। उन लोगों को कैमरे की निगरानी में रखा जाता था ताकि ये दोनों इस टेक्नोलॉजी को बना के किसी और देश को ना बेच दें। वो लोग फ्रिल के साथ खुशी खुशी रहने लग गए और कभी कभी वो लोग तो ये भूल जाते थे कि फ्रिल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो दोनों फ्रिल के साथ एज अ फादर के रोल में रहते थे। वो उसके संग बहुत मस्ती करते थे, बहुत फन करते थे, बहुत खुशी खुशी रहते थे, जैसे रियल में एक फादर और डॉटर रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद वो दोनों अजूजा नाम की एक लड़की से मिलते हैं और अजूजा एक्का से शादी कर लेती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक लड़की आने वाली है। उरैक्का भी बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक नेफ्यू आने वाली है। बट फ्रिल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसे तो अजूजा की लड़की उसकी जगह ले लेगी। जब से अजूजा उनके घर पर आई है, एक्का और उरैक्का ने फ्रिल के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक्का अपने कंपनी को चलाने में बिजी रहता है और उरैक्का अपनी रिसर्च में। एक दिन जब अजूजा नहा रही होती है, फ्रिल उस पर अटैक कर देती है और अजूजा मर जाती है। बट उसकी बेटी हिमारी बच जाती है। एक्का ने फ्रिल को बंद कर दिया था और एक और बार वो हिमारी के साथ खुशी खुशी रहने लग गए। और जब वो 14 साल की हुई, एक दिन उरैक्का और वो एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। हिमारी उरैक्का से कहती है कि तुम दोनों भाई थे ना, एक्का और उरैक्का, तुम दोनों भाई हो, और मैंने ऐसा सुना कि तुम दोनों के बीच में फाइट हुई थी मॉम के लिए। उरैक्का बोलता, हाँ हुई तो थी। फिर हिमारी उरैक्का से बोलती है कि तुमको जेलस फील नहीं होता था कि मेरे डैड और मेरे मॉम तुम्हारे सामने ही खुशी खुशी रहने लग गए। उरैक्का कहता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रही हो। तो हिमारी कहती है कि तुम थोड़ा वेट कर लो, जब मेरी शादी करने की उम्र होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वैसे भी तुम तो कहते हो ना कि मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हूँ। फिर उरैक्का कहते हैं कि क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। और उसी रात हिमारी ने बाथटब में सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड में फ्रिल का ही हाथ होता है। वैसे इस सीरीज में ऐसा पूरे अच्छे से तो नहीं दिखाया गया, बट वो ड्रीम वर्ल्ड फ्रिल ही चलाती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि आई वंडर एग को करेक्ट करके एक मिशन को कंप्लीट कर रही होती है और एग में से एक दूसरी आई निकलती है। वो दोनों एकदम सेम होते हैं दिखने में, बट एक आई ने येल्लो हुडी वाली जैकेट पहनी होती है और दूसरी आई ने स्कूल की ड्रेस, और उनको फाइट करनी होती है मिस्टर सवाकी से। ये दूसरी आई पैरेलल वर्ल्ड से आई होती है। एक्का और उरैक्का बताते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। जब भी हम रियल वर्ल्ड में कोई भी डिसीजन लेते हैं, पैरेलल वर्ल्ड में वो लोग उसके अपोजिट वाला डिसीजन लेते हैं। इसीलिए येलो हुडी वाली आई ने सुसाइड नहीं किया और स्कूल ड्रेस वाली आई ने सुसाइड कर लिया, तभी तो वो वंडर एग में से निकली। और ड्रीम वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड किसी तरह से कनेक्टेड है। उसके बाद वो दोनों मिस्टर सवाकी से फाइट करते हैं और उनको हराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद आई की फ्रेंड कोइटो नगासी जिंदा हो जाती है और जैसे ही आई उसको टच करने वाली होती है, वो गायब हो जाती है। उसके बाद फ्रिल की भेजी हुई एक बहुत पावरफुल हेटर आती है जिसका नाम होता है किरारा। वो बहुत पावरफुल होती है। आई अपने कमांडर वंडर एनिमल लियोन को वापस बुला लेती है, क्योंकि उसने रिका और मोमोई के कमांडर के बारे में सुना था कि उन दोनों का क्या हाल हुआ। उसके बाद एक आई उस पर अटैक करती है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो बहुत पावरफुल होती है, बट इन द एंड एक आई अपनी जान देकर दूसरी आई को बचा लेती है। गाइज, मैंने वंडर एग प्रायोरिटी को जितना हो सका उतना सिंपलीफाइड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि इस एनिमे को जितना डिटेल में एक्सप्लेन करने जाओ उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस एनिमे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। बहुत ज़्यादा सस्पेंस देकर सीजन वन की एंडिंग कर दी। इस एनिमे में हमको बहुत कंफ्यूज किया गया, और जब तक सीजन टू नहीं आ जाता मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। वैसे इस एनिमे में कई छोटे छोटे हिंट दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हो ड्रीम वर्ल्ड के बारे में, फ्रिल और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, बट जितना डीप जाओगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सेकंड सीजन का वेट करो। मैं जानता हूँ आपको इस एनिमे को देखने के बाद
आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट आप सीजन 2 तक वेट कर लीजिए। सीजन 2 में आपके वो सारे क्वेश्चंस, डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। इस सीजन में तो कुछ अच्छे से क्लियर ही नहीं किया। ड्रीम वर्ल्ड के बारे में, फ्रील के बारे में कि कैसे उसने ड्रीम वर्ल्ड को बनाया, और पैरेलल वर्ल्ड कैसे ड्रीम वर्ल्ड से कनेक्टेड है, आप खुद ही देख लो। जब लास्ट एपिसोड में आई अपने मिशन को कंप्लीट कर रही होती है, जब दो अलग अलग आई ने, दोनों ने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं, एक ने स्कूल की ड्रेस पहनी होती है और एक ने येलो जैकेट पहनी होती है, बट स्विमिंग पूल में गिरने के बाद वो दोनों एक ही जैसी ड्रेस में आ जाती हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये क्या था, ये आपको सीजन 2 में ही पता लगेगा। वेल, जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी सीजन 2 में क्लियर हो जाएगी। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय करा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को ओपन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी एक्सप्लेन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू एनिमे के साथ। जब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। डीमन स्लेयर देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और हाइगी स्कूल ऑफ द डेड एनिमी को देखने के लिए नीचे वाली वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साइड में लगे हुए चैनल लोगो पर क्लिक कीजिए।